मैं बहुत 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 खुश हूँ। कल रात जो हुआ वो मैं तुम्हें बता रही आई हूँ। पता है कल ना राज ने मुझे अपने गले से लगाया और थैंक यू भी बोला। वाह क्या बात कर रही हो, ये तो आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशी तुमने मुझे दी है। याद है सरिता उस दिन जब मैं यहाँ पे आई थी और मैंने तुमसे कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुमसे ये तक कह दिया कि जो तुम कर रही हो सब गलत है। लेकिन पता है कहने के वाकये के बाद एक बात तो मेरे समझ में आ गई, एक चोरी राज ने की और एक चोरी हमने की। लेकिन पता है हमारी चोरी के बाद ना राज की समझ वापस लौट आई है। वो अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य समझने लगा है। बुरे वक्त में तो पता चलता है कि एक अच्छे और एक बुरे इंसान में क्या फर्क होता है। थैंक यू सरिता। और हाँ मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हारे प्लान में तुम्हारा साथ दिया। पता है दिव्या अब राज जी ने माँ बाबू जी को वचन दिया है ना, तो अब वो वचन तोड़कर मेरे साथ कभी नहीं भागेंगे। हाँ बेटा जो चोरी हमने की उससे कुछ तो अच्छा हुआ है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वो जो रुपए और गहने हैं वो लॉकर में रखवाने होंगे। राज के दिमाग से जब ये भूत उतर जाएगा तब उसे उसकी अमानत वापस लौटा दूंगी। ठीक है अब वक्त आ गया है कि राज को अपनी गलती का एहसास हो जाए। राज जी का मैसेज है, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। टेंशन क्यों ले रही हो? अरे ये तो शुभ संकेत है, हो सकता है राज जी को उनकी गलती का एहसास हो गया हो और राज जी के सर से वो भूत उतर गया हो और अब वो मेरे साथ भागना नहीं चाहते, यही कहने के लिए वो मुझसे मिल रहे हो। भगवान करे ऐसा ही हो सरिता। ऐसा ही होगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अच्छा तुम मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दोगी? हाँ बिल्कुल चलो, मैं बस अभी अपना बैग लेकर आई। चाय कॉफी? नहीं राज जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि मैं आपसे बार बार मिलने नहीं आ सकती, आप समझते क्यों नहीं है? अभी और विक्रांत जी घर आते ही होंगे लंच के लिए। क्या बोलिए आप, आपने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? कल रात मेहंदी पे जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने एक फैसला लिया है, आपसे उसी बारे में बात करनी थी। शायद राज जी को उनकी गलती का एहसास हो गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, राज जी के सर से पागलपन दूर हो चुका है। राज जी मैं जानती हूं आपने बहुत कोशिश की होगी, घर से गहने भी आप ही ने चुराए होंगे, जानती हूं मैं। पर कल जो कुछ भी हुआ आपने माँ बाबू जी को वचन दिया है, तीनों बहनों की जिम्मेदारी अपने सर पर ली है, परिवार की जिम्मेदारी के आगे आपको झुकना पड़ रहा है, मैं समझ सकती हूँ। अब शायद आप अपने दिल से परदेश जाने का ख्याल निकाल चुके हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। हम भागने का प्लान कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? नहीं मैं आपके साथ भागने का प्लान कैंसिल नहीं कर रहा हूं। तो क्या करेंगे? खाली आप भागेंगे? हमारी जरूरतों को पूरा करने का इंतजाम कर लिया मैंने, मैं हमारा घर बेच दूंगा। Thank you.
अरे विक्रांत बेटा, आप आ गए लंच के लिए? मैं टेबल पे खाना लगवाती हूँ। वैसे अगर सरिता होती तो अच्छा होता, आपके खाने पीने का ध्यान रखती वो, लेकिन पता नहीं कहीं चली गई है। आपको फोन करके बताया था? नहीं मॉम, फोन तो नहीं किया था। पता नहीं आजकल वो आपके जाते ही कहीं निकल जाती है, बिल्कुल अपनी मर्जी की मालकिन बन गई है वो। वो अपनी मर्जी की ही नहीं, इस घर की भी मालकिन है। जब चाहे आएगी, जब चाहे जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जाने दीजिए ना मॉम, सरिता के खिलाफ कुछ भी मत कहिए। आप पहले खाना लगवा दीजिए। अच्छा बेटा, सोचा था सरिता से दिल की बात कह दो, उसी ने कहा था कि लंच पर आकर कहना। शायद वो चाहती है कि मैं और थोड़ा इंतजार करूं। कोई बात नहीं, कर लूंगा। आखिर सब्र और इंतजार का फल मीठा होता है। अच्छा, ना हाय ना हेलो ना गुड आफ्टरनून, सीधा मामा कहाँ है? और क्या बात है, अगर आपकी मामा नहीं रहेगी तो अपने डैडी को गुड न्यूज नहीं दे सकते? डैडी डैडी, मैं जो झुकन मामा था ना, इसलिए टीचर ने मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया है। अरे वाह, जूनियर सूर्यवंशी, कंग्रेचुलेशंस। दिखाओ अवार्ड तो, दिखाओ। Wow, that's great! Congratulations, my love. Daddy, मुझे मामा को भी thanks बोलना है। अच्छा, thanks कहना है? लेकिन thanks ऐसे ही नहीं कहेंगे, कुछ अच्छी idea करके thanks कहेंगे। हम मामा के लिए क्या idea करेंगे? लड़कियों को वैसे क्या पसंद है? तो हम आपकी मामा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदेंगे, और ऐसे ही नहीं देंगे, हम एक ट्रेजर हंट ऑर्गेनाइज करेंगे। वाओ! मतलब मामा के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लाएंगे और कमरे में अलग अलग जगह छिपा कर रखेंगे, और फिर मामा उन्हें ढूंढेगी, और सबसे आखिरी गिफ्ट जो होगा वो अभिमान सूर्यवंशी की पसंद का होगा। ओके? और जब आपकी मामा अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन देंगी, तो हम दोनों मिलकर उन्हें क्या कहेंगे? थैंक यू। यस डैडी, आपको भी मम्मी के साथ रहने के साथ बहुत अच्छा आइडिया आने लगे। अच्छा, मम्मा के टेबल स्पून, हर बात में मम्मा की तारीफ, डैडी का कुछ नहीं। विक्रांत बेटा, अभी खाना तैयार है। नहीं नानी, अब तो मामा के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, हम लोग बाहर ही खाना खा लेंगे। अच्छा मिस्टर सूर्यवंशी, चलें। अपने नानी को नहीं कहा, अभिमान को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है जोकर बनने के लिए। कंग्रेचुलेशंस अभी। थैंक यू नानी, चलें डैडी। चलें। सरिता, देखिए राजी, वो आपके बाबूजी के जिंदगी भर की कमाई है, अब
आप उसे ऐसे बेच देंगे? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? आप जानते हैं आपकी वजह से आपका पूरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। सोच समझ के तो बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? सोच समझ के ही बोल रहा हूँ सरिता जी। आप ही ने मुझसे कहा था ना कि आपके साथ रहने के लिए मुझे अपनों को छोड़ना होगा, बस मैं वही कर रहा हूं। आप मेरे प्यार का इम्तिहान ले रही थी, अब देखिए मैं किस हद तक जाने को तैयार हूं। डैडी मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा प्यास लगी है, जूस पियोगे? हाँ। ठंडा पसंद है ना? हाँ। लेकिन सुनो, मम्मा से नहीं कहना वरना तुम्हें भी डांट पड़ेगी और मुझे भी। ओके चलो। एक्सक्यूज मी। यस सर। मिस्टर सूर्यवंशी के लिए एक ऑरेंज जूस। यस सर। हैव अ सीट प्लीज। नो थैंक्स, हम बहुत जल्दी में है ना? यस डैडी। ओके सर। सुनो, सर के लिए एक ऑरेंज जूस, कम फास्ट। ओके ओके सर। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू। एडी मेरा हो गया। ओके। अच्छा एक बात बताओ, जब मम्मा कमरे में आती है सबसे पहले क्या करती है और कहां जाती है? अपना पर्स रखने जाती है ना? वहां। तो सबसे पहला गिफ्ट हम वहां छुपाएंगे। चल। ये वाला? हाँ चलो। ड्रेस के नीचे रखता हूं, चौंक जाएगी सरिता मेरा कार्ड देखकर, फिर मैं उससे दिल की बात कह सकूंगा, प्यार का इजहार करूंगा। आज की रात होगी दिल की बातें एक दूसरे से कहने की रात।
राज और सरिता का दुबई वीजा, मिस्टर राज और मिसेस सरिता राज चकोटिया। बाबूजी ने जकोटिया निवास जो हमारा घर है वो मेरी और माँ के नाम पे कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि ये घर पूरी तरह मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाए। एक्चुअली मैं इस घर को गिरवी रखना चाहता हूँ, कोई मजबूरी है। आप जानते हैं कि आप कितना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। आपकी माँ को पूरे होश हवास में दस्तखत करना होगा और कल को वो मुकर गई तो आप पर फौजरी का केस हो सकता है। जी मैं जानता हूँ, आप बस पेपर्स रेडी कराइए, माँ से सिग्नेचर्स कराना मेरी जिम्मेदारी है। आपके माँ बाप की उम्र और उनकी माली हालत को देखते हुए जो कदम आप उठाने जा रहे हैं उसके परिणाम क्या होंगे आई होप शायद आप जानते होंगे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, प्लीज। ठीक है, मैं आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा देता हूँ। अब किसी भी तरह मां से दस्तखत करवाने होंगे, कैसे पता नहीं, क्या कहूंगा मां से। दिव्या बेटा आज रात संगीत है, कल शादी है, फिर तू हमारी बहू बनेगी। बस तेरे से एक बात कहनी है। जी मां, कहिए ना। मेरे बेटे ने बहुत सहा है हमारी वजह से, 10 साल एक बेजान रिश्ता ढोया है। पति पत्नी का क्या रिश्ता होता है, प्यार क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता। बस एक माँ तेरे से कह रही है उसकी जिंदगी में ये कमी तो दूर कर देना बेटी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके बेटे के साथ रहूंगी। माँ जी अपने बेटे की खुशियों के सपने देख रही है और वहां राज जी इतने अंधे हो चुके हैं कि ना उन्हें माँ की भावनाओं की फिक्र है ना इस बात की कि वो पिता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। घर बेचने निकले हैं वो बिना सोचे कि कल से ये लोग रहेंगे कहां। सरिता कहाँ आई तू? बस अभी। अच्छा हुआ तू आ गई, चला बैठ दिव्या के साथ बैठ। मैंने ना आज लड्डू बनाए राज के मन पसंद नारियल वाले, तुझे तो पता है ना राज को कितने पसंद है, तू चख के बताइयो कैसे बने। चल बैठ मैं लेके आ रही हूं। पता है सरिता, माँ बाबूजी और राज का पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश है, कहने को कर जैसे उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया हो। क्या हुआ तुम्हें, तुम राज को मिली, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया ना? नहीं, वो सबकी खुशियों का गला घोट देना चाहते हैं। मतलब ये कि वो
मैं झकोटिया निवास बेच दूंगा। आप मेरे प्यार का इम्तिहान ले रही थी, अब देखिए मैं किस हद तक जाने को तैयार हूं। राजा ऐसा नहीं कर सकता, कल ही उसने मुझे गले लगाया और थैंक यू बोला। मुझे लगा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना गिर चुका है। दिव्या अब भी देर नहीं हुई है, राज जी जो कुछ भी कर रहे हैं दिल से नहीं कर रहे, इस वक्त बस उनके सर पे कोई जुनून सवार है। देखो हमें राज जी को उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना ही होगा, बस थोड़ा सा सब्र करो। कब वो दिन आएगा सरिता, मेरे सब्र का बांध टूट गया है। कल शादी है और आज देखो दिव्या, आज राज जी माँ से दस्तखत लेने की कोशिश करेंगे पेपर्स पर तुम्हें उन्हें दस्तखत करने से रोकना होगा, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। कुछ भी हो जाए माँ को दस्तखत करने से तुम्हें ही रोकना होगा, समझी तुम? कब भागने वाला है राज? आज रात 3 बजे फ्लाइट से।